ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी फैमिली के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने बच्चे के बारे में, अपने पति के बारे में, अपनी प्रोफेशन के बारे में, हर बारे में वो बात करती हैं, लेकिन सिचुएशन सही का वक्त करती है इंतज़ार। वो इंतज़ार करती है ऐसे मौके का जब वो अपनी बातों को सही तरीके से पेश कर सके। ट्रॉलर्स को जवाब देना, क्रिटिसाइजर्स के बीच जवाब देना पसंद नहीं है ऐश्वर्या को, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या निजी जिंदगी से जुड़े सवालों का जवाब देना पसंद करती हैं। जब बात उनकी अपनी बेटी आराध्या को लेकर हो, बात उनके पति अभिषेक को लेकर। अब आपके जहन में सवाल होंगे, आखिर क्यों ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या ने अपने पिता अभिषेक के बजाय किसी और बॉलीवुड एक्टर को अपना पिता माना था। जी हाँ, वो अभिषेक नहीं, एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जो कि ऐश्वर्या की जिंदगी में खास जगह रखते हैं। फिल्मी पर्दे पर जिस ऐश्वर्या को उन्होंने खूब प्यार दिया, जिस ऐश्वर्या के साथ बच्चन परिवार में उस एक्टर का रिश्ता बहुत गहरा है। हम उसी एक्टर की बात कर रहे हैं जिन्हें बॉलीवुड में कैसनोवा भी कहा जा सकता है। सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, वो कौन है जिसे ऐश्वर्या की बेटी आराध्या ने अपना पिता माना था और क्यों माना था, कब और कैसे ये सब हुआ। इन सवालों का जवाब पाने के लिए आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। वेल, हम बात कर रहे हैं यहाँ बॉलीवुड की ब्यूटी डीवा ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में, अपनी बेटी आराध्या के साथ। आपकी फेवरेट ऐश्वर्या राय बच्चन रिसेंटली स्पॉट की गई थी एक इवेंट में, जहां पर ऐश्वर्या राय बच्चन को काफी ज्यादा ही बिजी देखा गया था। वह ऐश्वर्या के साथ अभिषेक बच्चन भी थे उस मौके पर, जहां पर ऐश्वर्या राय बच्चन बहुत ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही थी। वैसे आपको मालूम हो ना हो, यहाँ पर ऐश्वर्या की बेटी आराध्या के बारे में हम बात जो आपको बताने वाले हैं, सुनकर यकीनन आपको झटका जरूर लगेगा। अपने हस्बैंड अभिषेक बच्चन के साथ अक्सर कपल गोल्स शेयर करने वाली ऐश्वर्या ने खुद ही ये राज खोला था कि एक बार तो उनकी बेटी ने रणबीर कपूर को पापा कह दिया था। रणबीर कपूर को वो अपना पापा मानती थी। नन्ही आराध्या इतनी मासूम है कि उन्हें फिल्मों की कहानी रियल लग रही थी, ऐसा खुद ऐश्वर्या ने जानकारी दी थी जब वो नजर आई थी अपनी बेटी को लेकर एक मैगजीन से जुड़े इंटरव्यू को लेकर बात करते हुए। तब उन्होंने ये राज खोले थे जिसे सुनकर कई लोग हैरान हो जाते हैं। अपने हस्बैंड अभिषेक बच्चन और अपने बहुत क्लोज फ्रेंड रणबीर कपूर को लेकर ऐश्वर्या का कहना था कि आराध्या को सिमिलैरिटीज अभिषेक और रणबीर में काफी ज्यादा दिखाई देता है। आराध्या ने ये कहा था कि उनके डैड रणबीर है, ऐसा इसलिए क्योंकि अभिषेक बच्चन की पर्सनैलिटी उनकी मॉम यानी कि आराध्या की मॉम ऐश्वर्या के साथ काफ़ी हद तक दिखाई देती है, ऐसी जैसे कि वो वाकई में उनकी अपनी जिंदगी में ख़ास जगह ही नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय बच्चन की लाइफ में भी ख़ास जगह बनाने के साथ आराध्या की जिंदगी में भी ख़ास जगह रखते हैं। शायद ही आपको ये मालूम हो, लेकिन ऐश्वर्या की बेटी आराध्या ने रणबीर को जब पापा कहा, ऐश्वर्या काफ़ी एम्बेरेस भी हुई थी और अभिषेक को भी उन्होंने अपने इस राज से पर्दा उठाकर एम्बेरेस कर दिया था। वैसे तो अभिषेक नहीं, रणबीर को उन्होंने पापा कहा है। इस बारे में राज ऐश्वर्या ने खोलते हुए जब बताया था तो ऐश्वर्या राय बच्चन दुखी भी थी। दरअसल एक मैगजीन शूट के दौरान ऐश्वर्या ने जानकारी दी थी कि आराध्या ऐसी है जिन्हें कई बार वो अपनी गर्ली स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉल होती रही हैं, लेकिन ऐश्वर्या ने आराध्या और रणबीर को लेकर जो राज खोले थे वो आप वाकई हैरान हो जाएंगे।
रणबीर कपूर को उन्होंने अपना पिता समझा, इसलिए क्योंकि रणबीर ने बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही जैकेट कैरी की थी जैसी जैकेट अभिषेक बच्चन ने काफी टाइम पहले कैरी की थी, और इसी कारण से आराध्या ने रणबीर को अपने पापा के नाम से बुलाया था। गौर हो फिल्म ए दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या के साथ रणबीर कपूर ने रोमांस किया था, और ऐश्वर्या और रणबीर के रोमांटिक अंदाज को काफी पसंद किया गया था। लोग ये जानकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या का बहुत खास ख्याल रखती है। ऐश्वर्या को अपनी बेटी आराध्या के साथ अपनी पर्सनल लाइफ में तो काफी व्यस्त देखा जाता है, क्योंकि ऐश्वर्या राय बच्चन हमेशा से ही अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे तरीके से एंजॉय करती हैं। तो वहीं ऐश्वर्या की अगर बेटी की बात हो, आराध्या की बात हो, तो आराध्या अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारना बहुत ज्यादा ही पसंद करती हैं। ये बात बहुत कम ही लोगों को मालूम है, लेकिन ये सच है कि आराध्या जो अपनी फैमिली के साथ नजर आती हैं, वो जब भी नजर आती हैं, लोग ये देखकर कहते हैं कि वाकई में ऐश्वर्या और आराध्या जो है सो बहुत ज्यादा अभिषेक बच्चन के लिए मायने रखते हैं, उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। लेकिन ये जानकर आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या को अक्सर ही मीडिया की लाइमलाइट से इसलिए बचाती है क्योंकि मिस्टेक्स जो है सो ऐश्वर्या राय बेटी के बच्चन की बेटी से जो हुआ उसके बारे में आराध्या जानती है, और ऐसा मिस्टेक वो मीडिया के सामने ना करे इसके लिए वो खास तौर पर अपनी बेटी का ख्याल रखती है। खैर, इंटरव्यू की बात हो रही है तो आपको जानकारी दे दे, बच्चों पर फिल्म इंडस्ट्री के सितारों की फिल्मी करियर का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, और कई बार उनके जो ऐसे नतीजे होते हैं जो लोगों को हंसा देते हैं। कन्फ्यूजन जो आराध्या को हुआ था उनके ड्रेस को लेकर, रणबीर के साथ सिमिलर पर्सनालिटी को लेकर, उसे लेकर ऐश्वर्या काफ़ी ज़्यादा हंसती थी, और तो और आराध्या रणबीर को पापा कहकर दौड़ पड़ी थी, ये कहना था ऐश्वर्या का। और जब रणबीर का चेहरा आराध्या ने देखा तब उन्हें एहसास हुआ था कि वो उनके पिता अभिषेक तो है ही नहीं। वैसे आपको बता दें कि ऐश्वर्या अपने परिवार में अपनी बेटी आराध्या का एक नर्स की तरह ख्याल रखती हैं। देखिए ये वीडियो। अभिषेक सर मैम राइट साइड, ऐश्वर्या मैम राइट साइड, ऐश्वर्या मैम मैम ओनली ऑर्स ओनली ऑर्स मैम मैम प्लीज प्लीज रुक मैम 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 ऐश्वर्य मैम सर मैं फोटो सूजन अरे मेरे को तो मेरा पेन तो ये करने दो क्या
शिल्पा मैम, शिल्पा मैम, मैम थोड़ा आगे आओ ना। शिल्पा जी बैठ गए, बैठ गए। गाड़ी लाइट लगाना, लाइट चालू है। जाने दे। लेना आगे लेना। ये चढ़ा देगा सिटिया। बॉलीवुड रियल लाइफ स्पेशल प्रोग्राम में हमने आपको राध्या की रियल लाइफ स्टोरी शेयर करते हुए बताया फैमिली की रियल लाइफ, स्टार फैमिली की रियल लाइफ कैसे वक्त के साथ बदलती है और कैसे बड़े सितारों को इस तरह के कॉन्ट्रोवर्सीज और अपनी लाइफ को लेकर होने वाले सवालों का सामना करना पड़ता है। वक्त हो गया है अब आपसे विदा लेने का, फिर लौटेंगे ऐसी ही तमाम खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।